जो कहते हैं बटोगे तो कटोगे, उनसे पूछिए 6372 जातियां किसने बांटी, वही लोग बांटे। साथियों ये तो बी आर अम्बेडकर साहब की देन है, जिन्हें हमें संविधान के तहत लिखने और पढ़ने का वोट देने के साथियों अधिकार दिया। सभी राजनीतिक पार्टियों में साथियों के गले की हड्डी बन चुकी है, वो जानते हैं जिस दिन यह अति पिछड़े समाज को के हिस्सेदारी मिल जाएगी, उसी दिन से साथियों अति पिछड़े समाज के बच्चे साथियों आईएएस पीसीएस डिप्टी कलेक्टर साथियों बनना शुरू हो जाएंगे। अपना परचम लहरा रहा है जिनकी बदौलत साथियों रमेश चंद्र निषाद जी हैं। आज नहीं साथियों कल यह पूरा चाहे केवल समाज हो या निषाद समाज हो या कश्यप समाज हो या राठौर समाज हो, एक दिन जब तक हम लोग वीर फूलत देवी संगठन के झंडे के साथियों नीचे नहीं आएंगे, तब तक आपको साथियों हक और अधिकार और हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। साथियों आज़ादी के कई शतक बीत गए, लेकिन यह शोषित अति पिछड़ा समाज आज भी हम वहीं के वहीं हैं, क्योंकि साथियों यही अति पिछड़ा समाज के लोगों ने कभी सपा को, कभी बसपा को, कभी कांग्रेस को या कभी बीजेपी को साथियों वोट देने का काम किया। लेकिन साथियों यही अति पिछड़ा समाज एक आरक्षण की मांग कर रहा है, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट साथियों मांग कर रहा है। सभी राजनीतिक पार्टियों में साथियों के गले की हड्डी बन चुकी है, वो जानते हैं जिस दिन यह अति पिछड़े समाज को के हिस्सेदारी मिल जाएगी, उसी दिन से साथियों अति पिछड़े समाज के बच्चे साथियों आईएएस पीसीएस डिप्टी कलेक्टर साथियों बनना शुरू हो जाएंगे। कुछ राजनीतिक पार्टियां इस आरक्षण को विरोध कर रही हैं, लेकिन साथियों यह भागीदारी न्याय मोर्चा के यहाँ मंच पर जितने भी साथियों नेता बैठे हैं, उन्होंने संकल्प लिया है जब तक यह गरीब शोषित अति पिछड़े समाज को उसके हिस्सेदारी नहीं दिला देंगे, तब तक साथियों चैन से मानेंगे नहीं। साथियों भागीदारी न्याय मोर्चा के साथियों यह तीसरी जनसभा है। पहली जनसभा साथियों फतेहपुर में बाबूराम पाल जी के नेतृत्व में साथियों हुई, दूसरी जनसभा जौनपुर भारतीय मानव समाज पार्टी साथियों नेतृत्व में हुई साथियों, आज साथियों तीसरी जनसभा हमारे बड़े भाई रमेश चंद्र निषाद जी वीर फूलन देवी जी के संगठनों साथियों हो रही है। साथियों जो शुरुआत है अभी आंधी बाकी है, घबराइएगा नहीं, यह भागीदारी न्याय मोर्चा आने वाले समय में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वह सब घबरा जाएंगी। यह क्या हो गया, यह तीसरा संगठन मोर्चा कहां से खड़ा हो गया, यह मोर्चा शोषित अति पिछड़े गरीब दबे कुचलों के हिस्सेदारी हक अधिकार के लिए साथियों निरंतर साथियों लड़ाई लड़ती रहेगी। लेकिन साथियों मैं एक बार आपसे कहना चाहता हूँ, कुछ पार्टियों का भी अभी नारा चल रहा है कि बटोगे तो कटोगे, चल रहा है ना। लेकिन साथियों जिसके चलते आज हमारे अति पिछड़ा समाज, पिछड़े समाज, दलित समाज के लोग आज बड़े बड़े साथियों पदों पे और अपने राजनीतिक हिस्सेदारी साथियों ले रहे हैं, कहीं यह भारतीय जनता पार्टी को डर है कि यह जाग न जाए। साथियों इसीलिए कहते हैं बटोगे तो कटोगे। साथियों दूसरी समाजवादी पार्टी वह कहती है जुड़ोगे तो जीतेंगे, लेकिन साथियों यही अति पिछड़ा समाज के लोगों ने मुलायम सिंह की सरकार बनाने का काम किया,
अखिलेश यादव की सरकार बनाने का काम किया, लेकिन उन लोगों ने इस अतिपिछड़े समाज के बारे में साथियों नहीं सोचा, फिर वह नारा दे रहे हैं साथियों जुड़ोगे तो जीतेंगे, लेकिन साथियों जीतेंगे साथियों उसमें फायदा किसका होगा? समाजवादी पार्टी के परिवारवाद का फायदा होगा, पूंजीपतियों का फायदा होगा साथियों। वहीं पे साथियों मायावती जी ने नारा दिया कि जुड़ोगे तो साथियों बहोगे, बहुजन समाज पार्टी को भी साथियों यही अतिपिछड़े समाज के लोगों ने वोट देने का काम किया, सोचे कि ये दलित की बेटी है, ये सभी शोषित अति पिछड़ों के साथियों हिस्सेदारी और हक भागीदारी देने का काम करेगी। लेकिन साथियों वो भी अपने मिशन से भटक गई, अब कहती है कि जुड़ोगे तो बढ़ोगे, इसका मतलब साथियों मायावती बढ़ेगी कि बढ़ेगी तो 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ रुपया उनकी डिमांड बढ़ेगी, यह उनकी नीति है साथियों। इन तीनों नारों के अंदर यह बताइए कहीं गरीब शोषित अति पिछड़े समाज की हिस्सेदारी आपको दिखती है? बताइए दिखती है? लेकिन साथियों यह भागीदारी न्याय मोर्चा के जो नेता यहां बैठे हैं उन्होंने एक नारा दिया है साथियों, जुड़ोगे तो आपको अधिकार और मान सम्मान मिलेगा, यह भागीदारी न्याय मोर्चा का जो नारा है, जुड़ोगे तो आपको अधिकार मिलेगा, शिक्षा का अधिकार मिलेगा, अच्छी स्वास्थ्य का अधिकार मिलेगा साथियों। अब आपको यह निर्णय लेना है, आपको अधिकार चाहिए कि साथियों सपा और बसपा के परिवारवाद जैसे लोगों और भारतीय जनता पार्टी जो आपस में लड़ाई काम करती है उनके हित में साथियों आपको वोट देना है। अगर साथियों आज आप भागीदारी न्याय मोर्चा के साथ में जुड़ते हैं तो साथियों आज ही आपको हक अधिकार और सम्मान मिलेगा, लेकिन साथियों अगर आप 10 साल के बाद साथियों जुड़ोगे तो साथियों आपको 10 साल के बाद अधिकार मान सम्मान मिलेगा, तब तक न जाने आपकी पीढ़ियां कहां से कहां चली जाएंगी, तब हम डरते रहेंगे और घर के बाहर निकलेंगे नहीं साथियों, तब तक हमें हक और अधिकार और हिस्सेदारी साथियों मिलने वाले नहीं है। क्योंकि साथियों जब छोटा बच्चे को भूख लगती है तो रोता है, तब जाके उसको उसकी माँ दूध पिलाती है साथियों, कि हमें वोट कहाँ देना है। अगर साथियों अपने ही समाज को व्यक्ति सपा बसपा बीजेपी से अगर वोट मांगने आता है तो साथियों वोट कभी मत देना, क्योंकि इसके पहले लोग भी समाज के लोग सपा बसपा बीजेपी से वोट मांगते हैं, लेकिन साथियों उनकी औकात नहीं है सदन के अंदर अपने समाज के हक अधिकार की साथियों बात रख ले। यह भागीदारी न्याय मोर्चा के घटक जितने भी है इसमें से कितनी प्रत्याशी खड़ा हो गए इनको वोट देने का काम करिएगा, क्योंकि साथियों इनके पास झंडा और डंडा की साथियों ताकत है, क्योंकि यह झंडा और डंडा साथियों जिसके पास होगी उसे बड़े बड़े साथियों हम काम करवाने का काम करेंगे। जैसे आज सपा अखिलेश यादव जी जो कहते हैं वही होता है कि नहीं होता है? होता है ना। उसी तरह साथियों अगर आपने बाबू रामपाल जी के किसी भी प्रत्याशी से मतलब नहीं है, किसी भी जाति या धर्म का प्रत्याशी है उसको साथियों आपने वोट देने की तरह काम किया तो बाबू रामपाल जी की हाथों को मजबूत होगा। उसी तरह रमेश चंद्र निशा जी है उनके प्रत्याशी को आपने वोट देने का काम किया तो रमेश चंद्र निशा जी का हाथ मजबूत होगा। उसी तरह सुभाष कश्यप जी भी है इनके प्रत्याशी को आपने वोट देने का काम किया तो सुभाष कश्यप जी का हाथ मजबूत होगा। साथियों उसी तरह सरबजीत खंडा साहब जी है उनके प्रत्याशी साथियों आपने वोट देने का काम किया तो खड़साल साहब का हाथ मजबूत होगा। और साथियों बहुत देर नहीं लगेगी अति पिछड़े शोषित समाज को हक अधिकार न्याय दिलाने की साथियों बस आपको जुड़ने की